नमस्कार रितम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक श्रीवास्तव। इसराइल और आतंकी संगठन हमास के बीच युद्ध चल रहा है। इस बीच भारत ने भी इसराइल में रह रहे भारतीयों की देश वापसी के लिए ऑपरेशन अजय शुरू करने की घोषणा की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इस ऑपरेशन के तहत पहली फ्लाइट आज रवाना होगी। एस जयशंकर ने आगे कहा कि इसराइल से लौटने के इच्छुक हमारे नागरिकों की वापसी को सुविधाजनक बनाने के ऑपरेशन अजय लॉन्च किया जा रहा है। इसके साथ ही दूसरे इंतजाम भी किए जा रहे हैं। सरकार विदेशों से अपने नागरिकों की सुरक्षा और भलाई के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। बता दें कि इसराइल में करीब 18,000 भारतीय नागरिक हैं, जिसमें मुख्य रूप से इसराइल बुजुर्ग, हीरा व्यापारी, आईटी पेशेवर और छात्रों की देखभाल करने के लिए नियुक्त लोग शामिल हैं। इसराइल में भारतीय मूल के करीब 85,000 यहूदी भी हैं, जो 50 और 60 के दशक भारत से इसराइल गए थे। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने विदेश मंत्री योव गैलेंट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने पूर्व आईडीएफ स्टाफ के नेतृत्व वाले विपक्षी ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के साथ मिलकर राष्ट्रीय आपातकाल की सरकार की स्थापना की घोषणा की। अपने संबोधन के दौरान पीएम नेतन्याहू ने आतंकी संगठन हमास को चेतावनी देते हुए कहा कि अब हमास के सभी सदस्यों की मौत तय है, इसराइल एक है और अब इसका नेतृत्व भी एकजुटता के साथ होगा। नेतन्याहू ने आगे कहा कि पूरा इसराइल अपने सैनिकों के साथ खड़ा है और हमास से जुड़े प्रत्येक सदस्य की मौत तय है, अब इसराइल की जीत होगी। बता दें कि हमास और इसराइल के बीच जारी युद्ध में अब तक दोनों पक्षों से कम 2400 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। भारत और चीन के बीच दो दिवसीय कोर कमांडर स्तर की सैन्य वार्ता का 20वां दौर LSE के पास भारतीय क्षेत्र में चुशुल मोल्डो सीमा के पास आयोजित हुआ। इस वार्ता को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LSE के पास लंबित मुद्दों के पारस्परिक रूप से स्वीकार समाधान के लिए चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय ने आगे बताया कि दोनों पक्षों में प्रासंगिक सैन्य और राजनयिक माध्यम से संवाद एवं वार्ता की गति बनाए रखने पर सहमति जताई गई। वहीं वार्ता के दौरान कोई बड़ी सफलता मिलने का स्पष्ट संकेत नहीं मिला है। बिहार में बक्सर के रघुनाथपुर स्टेशन के पास बुधवार रात 12506 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के बेपटरी होने से हादसा हो गया। ट्रेन की कई बोगियां बेपटरी हो गई। हादसे में 4 लोगों की जान चली गई और 200 यात्रियों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। वहीं हादसे को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बक्सर में घटनास्थल पर राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। NDRF, SDRF, जिला प्रशासन, रेल अधिकारी और स्थानीय लोग टीम के रूप में काम कर रहे हैं। वनडे विश्व कप में भारतीय टीम के दूसरे मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराकर अपनी लगातार दूसरी जीत दर्ज कर ली है। इस मैच में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 50 ओवर में 8 विकेट पर 272 रन बनाए, जिसमें अफगानिस्तान के लिए कप्तान हशमतुल्ला ने 80 रनों का अच्छा योगदान दिया। वहीं जवाब में भारत ने 35 ओवर में 2 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान रोहित शर्मा ने 84 गेंदों में 16 चौके और 5 छक्कों की मदद से 131 रन की पारी खेली। वहीं विराट कोहली ने 55 रन नाबाद और ईशान किशन ने 47 रन की पारी खेली। साथ ही भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने 10 ओवर में 39 रन देकर 4 विकेट चटकाए और इसी के साथ भारत ने वनडे विश्व कप की अपनी दूसरी जीत भी हासिल कर ली है। हाल ही में रिलीज हुई विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म द वैक्सीन वार को लेकर ऑस्कर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री के अनुसार उनके पास ऑस्कर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक लेटर आया है, जिसमें एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर एंड साइंस की लाइब्रेरी में परमानेंट कलेक्शन के लिए उनकी फिल्म द वैक्सीन वार के स्क्रीन प्ले का कॉपी देने की गुजारिश की गई है। इस लेटर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हुए विवेक अग्निहोत्री ने लिखा कि मुझे गर्व है कि द वैक्सीन वार, जो एक सच्ची कहानी है, उसे एकेडमिक कलेक्शन के लिए इनवाइट किया गया है। मुझे इस बात की खुशी है कि आने वाले 100 सालों और उससे भी अधिक सालों तक इंडिया के सुपर हीरोज की कहानी लोग पढ़ेंगे।